दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों कैसे ऋतुराज गायकवाड़ और मोइन अली ने उड़ाए गुजरात की टीम के परखच्चे और क्या रही इस मुकाबले की हाइलाइट्स, ये सब तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतरीन कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों ये मुकाबला दो बड़ी टीम चेन्नई और गुजरात के बीच में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में चेन्नई की टीम ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इसके बाद चेन्नई की टीम तरफ से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, तो वहीं गुजरात की टीम के कप्तान ने नई गेंद अपनी टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज मोहम्मद शमी के हाथों में थमा दी। मोहम्मद शमी ने अपने ओवर की शुरुआत बहुत ही शानदार अंदाज में की और इन्होंने अपने ओवर की शुरुआत की तीन गेंदें ऋतुराज गायकवाड़ को डॉट खिला दी और इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने इनकी चौथी गेंद पर सिंगल ले लिया और सिंगल के साथ ही इन्होंने अपना और अपनी टीम का खाता खोल दिया। और उसके बाद अब स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे आ चुके थे और इसके बाद जैसे ही मोहम्मद शमी ने अपने ओवर की पांचवीं गेंद डाली तो उस पर ये बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए और ये गेंद डॉट हो गई। इसके बाद जैसे ही मोहम्मद शमी ने इनको अपने ओवर की अंतिम गेंद डाली तो उस पर उन्होंने ताबड़तोड़ शॉट खेल दिया और तब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक इन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर तीन रन दौड़ लिए थे और इस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का स्कोर एक ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 4 रन हो गया था। इसके बाद गुजरात की टीम की तरफ से दूसरा ओवर डालने के लिए आए खुद इनकी टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या और पहली गेंद डेवॉन कॉनवे को नो बॉल डाल दी और इसके बाद अब अगली गेंद पर फ्री हिट था और इसके बाद हार्दिक पांड्या भाग्यशाली रहे। इस फ्री हिट पर इनके खिलाफ सिर्फ एक ही रन बना और इसके बाद अभी स्ट्राइक पर ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे और इसके बाद हार्दिक पांड्या की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने सिंगल ले लिया और स्ट्राइक डेवॉन कॉनवे को दे दी और इसके बाद हार्दिक पांड्या ने लाइन और लेंथ को पकड़कर शानदार गेंदबाजी की और इनको अपने ओवर की लगातार तीन गेंद वाइड खिला दी और इसके बाद उन्होंने हार्दिक पांड्या के ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल ले लिया और इस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का स्कोर दो ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 8 रन हो चुका था। ये इनकी टीम की बहुत ही धीमी शुरुआत थी और इस धीमी शुरुआत को तेज करने के लिए डेवॉन कॉनवे ने तीसरा ओवर डालने के लिए आए मोहम्मद शमी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए सोचा, लेकिन ये गेंद सीधा विकेट कीपर ऋतुमान साहा के दस्तानों में जा गिरी और इस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को एक विकेट का नुकसान हो गया। अभी इनकी टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने और नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने के लिए मोइन अली आए और अभी ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का स्कोर 6 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 47 रन हो चुका है। अभी ऋतुराज गायकवाड़ 23 रन पर हैं और वहीं मोइन अली भी 18 रन पर क्रीज पर डटे हुए हैं। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में ये दोनों बल्लेबाज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को बेहतरीन स्कोर तक ले जा पाएंगे या फिर नहीं? दोस्तों ये महामुकाबला इतिहास की दो बड़ी टीम सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में कोलकाता की टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे, तो वहीं हैदराबाद की टीम के कप्तान केन विलियमसन ने नई गेंद अपनी टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के हाथों में दी, तो वहीं इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद डाली और उस पर वेंकटेश अय्यर ने सिंगल लिया और स्ट्राइक अजिंक्य रहाणे को दे दी। इस प्रकार से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का खाता खुला और इसके साथ जैसे ही भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस गेंद पर अजिंक्य रहाणे पूरी तरीके से बीट हो गए थे। गेंद तेजी से बाहर की तरफ स्विंग हुई, इस पर अजिंक्य रहाणे भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप पर नहीं लगी और अजिंक्य रहाणे बच गए। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर की तीसरी गेंद वाइड डाल दी। इसके बाद जब भुवनेश्वर कुमार ने ये गेंद दोबारा से डाली उस पर अजिंक्य रहाणे कुछ नहीं कर पाए और वो गेंद भी डॉट हुई। इसके बाद जैसे ही भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो ये गेंद अजिंक्य रहाणे के पैड पर लग गई और इस बार फिर अजिंक्य रहाणे भाग्यशाली रहे कि ये गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी और यहाँ LBW आउट वो नहीं हुए और इस गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने दौड़कर एक रन भी ले लिया था। इसके बाद अब स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर आ चुके थे। इसके बाद जैसे ही भुवनेश्वर कुमार ने इनको अपने ओवर की पांचवी गेंद डाली इस पर उन्होंने शानदार चौका जड़ा। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार दबाव में दिख रहे थे और थोड़ा दबाव में आकर ये अपनी लाइन और लेंथ से भटक गए और वेंकटेश अय्यर के सामने एक गेंद वाइट भी फेंक दी, लेकिन उसके बाद जब भुवनेश्वर कुमार ने ये गेंद दोबारा से डाली उस पर वेंकटेश अय्यर ने सिंगल लिया और इस प्रकार से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिहाज से शानदार अच्छा रहा। इस प्रकार से कोलकाता की टीम का स्कोर एक ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 9 रन हो चुका था, लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी करने के लिए केन विलियमसन ने मार्को जेम्स
जैनसन को न्योता दिया और मार्को जैनसन ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर को सिर्फ 7 रनों पर क्लीन बोल्ड कर दिया और इस प्रकार से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को पहला झटका लग चुका था। लेकिन इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे नितेश राणा ने अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि अभी कोलकाता की टीम का स्कोर 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन हो चुका है और अभी अजिंक्य रहाणे 25 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वहीं नितेश राणा भी 27 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, ये दोनों बल्लेबाज कोलकाता की टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक ले जाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? दोस्तों आरसीबी की टीम की हार के बाद एक बार फिर से पॉइंट टेबल में खलबली सी मच गई है, तगड़े बदलाव हुए हैं और आखिरकार क्या अब आरसीबी भी चेन्नई और मुंबई की तरह प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी, क्या है पहुंचने के चांसेस, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित कोहली और धोनी में बेहतर कप्तान और खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 के एक और घमासान मुकाबले में आरसीबी की टीम को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि आरसीबी और पंजाब की टीम के बीच में खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी की टीम ने टॉस भी जीता, पहले गेंदबाजी भी चुनी, लेकिन पंजाब के तूफान को रोक नहीं पाए। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने ऐसा खेल खेला कि आरसीबी की टीम से मानो कौन सा पुराने सालों का बदला पूरा किया हो। मैदान में आकर दोस्तों राजपक्सा और धवन तो नहीं चल पाए, लेकिन जॉनी बेस्टो का बल्ला कुछ ऐसा चला के देखकर कोहली के भी होश उड़ गए थे। 10 गेंदों में इस खिलाड़ी के नाम 35 रन दर्ज हुए थे और दोस्तों भले इस बीच जॉनी बेस्टो को दूसरे छोर से किसी और का साथ नहीं मिला, लेकिन जॉनी बेस्टो नाम का तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धवन और राजपक्सा नाम के खिलाड़ी बहुत जल्दी आउट हो गए, लेकिन जॉनी बेस्टो ने न सिर्फ अपना 50 पूरा किया बल्कि 229 गेंदों के अंदर 66 रनों की ऐसी धाकड़ पारी खेली के देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। और जब जॉनी बेस्टो आउट हुए तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए मैदान में अब आ चुके थे लियाम लिविंगस्टोन। इंग्लिश खिलाड़ी ने सारी कमी को पूरा किया और न सिर्फ 50 जड़ा बल्कि 42 गेंदों में 5 चौके व 4 छक्कों की मदद से 70 रन तक बना दिए थे। और दोस्तों जॉनी बेस्टो व लिविंगस्टोन की इसी धाकड़ पारी के चलते ही पंजाब की टीम 200 तो छोड़िए 209 तक पहुंच गई, मतलब आरसीबी को 210 का टारगेट मिला। इसके जवाब में आरसीबी की टीम 200 पारी के तीसरे ओवर से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। विराट कोहली 20 रन पर क्या आउट हुए, उसके बाद डुप्लेसिस 10 रन, रजत पाटीदार 26 रन और लॉन्ग्रोड 6 रन पर आउट हो गए थे। उम्मीद थी डीके और मैक्सवेल कुछ करेंगे, लेकिन वो 11 और 35 पर अपना विकेट गवा बैठे। लक्ष्य इतना ज्यादा बड़ा था कि इतने विकेट गिरने के बाद आरसीबी संभल नहीं पाई और मुकाबले को पूरे 52 रन के अंतर से हार गई। दोस्तों इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया पॉइंट्स टेबल पर, तो चलिए फटाफट से आपको पूरी पॉइंट्स टेबल बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 10वें और 9वें नंबर की टीम की। इस बात में कोई शक नहीं कि मुंबई ने चेन्नई को हरा दिया है, लेकिन फिर भी वो रहेंगे तो 10वें पायदान पर ही। 12 में से मुंबई के 3 मैचों में जीतने के बाद उनके 6 अंक जरूर बने, लेकिन -0.9 का नेट रन रेट है जो इन्हें कभी ऊपर नहीं आने देगा। वहीं बात करें अगर 9वें नंबर की पोजीशन की तो ये रहेगी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के नाम। 12 में से इन्होंने अपने 4 मैच जीते हैं, मतलब कि 8 अंक कमा लिए, लेकिन इनका नेट रन रेट ज्यादा कम नहीं है, -0.181 है, जो कि इनसे ऊपर बैठी कई टीमों से काफी बेहतर भी है। खैर दोस्तों बात करते हैं हमारे टॉप 8 के बारे में। 8वें नंबर पर अभी भी कोलकाता की टीम ही विराजमान है। शुरू में जीत के झंडे गाड़ रही कोलकाता की टीम कब हार गई किसी को पता ही नहीं चला। 12 में से 5 मुकाबलों में जीतने के बाद इस टीम के 10 ही नंबर है और इनका नेट रन रेट भी -0.05 है। दोस्तों कोलकाता का तो पता नहीं, लेकिन 7वें नंबर पर एसआरएच आ जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। जो टीम लगातार जीत रही थी वो लगातार हारती भी चली गई। अब 11 में से 5 मैचों में जीत के बाद इनके 10 अंक तो हैं, लेकिन नेट रन रेट -0.131 का है, मतलब कि ये टीम है वो है जो कि बाहर हो चुकी हैं और जिनके बाहर होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे टॉप 6 के बारे में। दोस्तों 6 नंबर पर फिलहाल पंजाब किंग्स की टीम है। आरसीबी को हराकर इन्होंने 2 अंक तो कमा लिए, लेकिन पॉइंट टेबल में ज्यादा उथल पुथल नहीं मचा पाए। लेकिन फिर भी अब पंजाब ने 12 में से 6 मैच जीत लिए हैं और इनके 12 अंक तो हो ही चुके हैं, साथ ही नेट रन रेट भी पॉजिटिव 0.02 है जो कि आरसीबी से भी ज्यादा बेहतर है। तो वहीं दिल्ली का तो क्या ही कहना, थोड़ा रिस्क और थोड़ा आसानी से जीत रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। अब तक 12 में से 6 मैचों में जीतकर इनके 12 अंक तो हो ही चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका नेट रन रेट भी 0.210 है, मतलब कि इनके प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस शायद अब आरसीबी से भी ज्यादा हैं। ये दोस्तों दिल्ली की टीम अभी भी 5वें नंबर पर ही है। बात करें अगर टॉप 4 के बारे में तो पंजाब की टीम से हार कर भी आरसीबी की टीम 4थे नंबर पर ही विराजमान है।
13 में से 7 जीत और 14 अंक, यही एक बात है जो कि आगे रख रही है आरसीबी को बाकी टीमों से। इवन इनका नेट रन रेट भी -0.3 हो चुका है, मतलब कि दोस्तों एक मुकाबले में हार और आरसीबी की टीम पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी। परंतु अब बात कर लेते हैं टॉप 3 के बारे में, जो कि प्लेऑफ तो छोड़िए बल्कि आईपीएल को जीतने के दावेदार बनते जा रहे हैं।